क्या समझे हो? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? ये YouTube को ना मेल करो मेरा वॉइस मैसेज भेज के उनको। वॉइस मैसेज नहीं, तेरी वीडियो मैसेज भेजता हूँ तेरा। करो उनको कहो चको है तोड़ी पहनू साढ़े सिलो मिटा दो। अच्छा जी ब्रेकर डाउन है, ब्रेकर ऑन कर रहे हैं। आए 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 माशाल्लाह वाले मोहम्मद मैं सुबह पहले 10 बजे उठाऊ, एक फैमिली आई उन्होंने उठाया मुझे आके, अम्मा ने कहा आके मिलो, उनको मिला, एक घंटा सोया, 11 बजे फिर फैमिली आ गई, 12 बजे फिर फैमिली आ गई, फिर मैं सोया हूँ, तो मुंह उठा के आ गई सुबह सुबह। मेरा कौन सा काम है? झूठ बोली जा रही मम्मा, फोन छूने मेरी माँ। मम्मा यार आपको क्या सुबह 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 अब बेवकूफ यार मम्मा बात तो सुना करो, क्या हो गया? गीले हाथ की चपेटे क्यों मार रहे हो? पैसे कहाँ से आए? मैं आपको फकीर है, अल्लाह माफ करे, पैसे मेरे पास अपने पैसे थे, क्या हो गया? जब तुझे कुछ कहूं मेरे पास मम्मा आ तो अल्लाह की कसम माफी दे दो। अच्छा खासा फोन लेके आए, इसी वाला सिर्फ छोटा थोड़ा सा, इसी वाला मम्मा जी पागल औरत मम्मा, अब बेवकूफ क्या फजूल, मेरी बात तो सुन लो मम्मा जी। यार मम्मा अभी उठा भी नहीं, पिटाई शुरू कर दिया आपने। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, iPhone 15 लेके आया हूँ, PTA अप्रूव्ड, ये 15 Pro Max है, 15 एक और ले आया हूँ मैं, इजी लोड किया करने मैंने iPhone 15 से, क्या समझे हो? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? पापा ने क्या पॉइंट पे बात मारी है, पापा जी बजट नहीं है यार, अभी बजट नहीं बन रहा, मुबारक हो सारा काम बाद में, पहले मुबारक दो फुप्पो को, आमना दी फुप्पो, आमना माशाल्लाह 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 रात को फुप्पो बनी है, बहुत ही प्यारी नेमत इनके घर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हल्की सी पिक्चर आपको दिखाते हैं, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बार को आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मम्मा जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे यार जरा इसी खुशी में करके दिखा दे जरा चाको। अच्छा कर दिया, एक मिनट चुप करो, चाको दी पहनो। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा गुंडा है सुबह सुबह घर आई है, मामा जी आपने नाश्ता देना नहीं देना, तेरे प्यो ने रेस्टोरेंट खोलिया है बंदा जरा। मेरी बात सुनो, मैं आपको अब आपको मैं एक्चुअल बात बताता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, 3-4 लाख रुपया एवं लगा के आ गया हूँ, इस फोन में सिर्फ व्लॉग बना करेगा, फोन देखे ना कितने आते हैं, परेशानी देखे ना कितनी होती है, उस वाले फोन में पर्सनल नंबर कॉन्टेक्ट मीटिंग वाला सारा कुछ उसके अंदर काम होगा, ये सिर्फ व्लॉग्स के लिए है, इसलिए फोन लेके आया हूँ। नहीं वो तेरी जरूरत है, मुझे पता, तूने मुझे पहले क्यों बताया, मुझे परमिशन क्यों नहीं दी? परमिशन क्यों? मेरे पास अपना एटीएम कार्ड है, अपना चेकबुक है, आपको क्या लगे? मेरे कितने आ, मेरे कितने आ, साथ ही बदमाशी पे आए थे भाई जान आपका ही है यार, आपके नाम पे ही मैंने घर लिया है, आपके नाम पे गाड़ी है, आपके नाम पे मोबाइल है, किसी और को दिखाना। हाँ। मैं नहीं आती बातों में, मैं खुद पैसे भाई तेरे पास मेरा पैसा था। मम्मा जी आपके नाम पे घर लिया, अभी भी आप राजी ना हो तो अल्लाह की कसम बात कर, औरत राजी नहीं हो सकती। मुझे मेरी मेरी जरूरत थी फोन, इसलिए लिया मैंने भाई जान, आमना को हमने इसलिए बुलाया है कि इस फोन से सारा सेटअप उस फोन में कर दे, ठीक है, और उसने आते ही जो है ना वो झोला डालना शुरू कर दिया। मुझे वाकई नहीं आता, मुझे ये सिम कार्ड नहीं आते, मैं टेक्निकल चीजों में बहुत बुरा हूँ, कैमरा उठवा लो, एडिटिंग करवा लो, दैट्स इट, सिंपल एंड स्ट्रेट बंदा है आपका भाई।
आपका भाई सुबह से 2 से 3 बार उठ चुका है लेकिन अब तक फ्रेश नहीं हो सका। खैर कोई बात नहीं, अब जैसे हैं ऐसे ही हैं। शेरों के मुंह धुले ही होते हैं, वैसे तो मुंह कुत्तों के भी धुले ही होते हैं लेकिन खैर कोई बात नहीं। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सरप्राइज कर दे और बटन को ट्रिप कर दे और ओके कर दो। हमने सब कुछ कह दिया, आगे समझना आपका काम है। समझ जाएं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं। और सबसे पहले जिस फैमिली ने मुझे आज उठाया था, बहुत ही प्यारी चीज को बना के लेके आए हैं। उस टाइम मैं नींद में था लेकिन मैंने उनको तारीफ कर दी थी, अभी मैं एक्चुअल देख रहा हूँ, अपने हाथ से वो बना के लाए हैं। आप बताइएगा आपको कैसी लगती है, चेक करो भाईजान। ये सारा वो हुआ है काम तारे मोती का, ठीक है, पेंसिल से नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है रजब्स फैमिली द बेस्ट व्लॉगर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका प्यार है। अभी बहुत दूर है मंजिल, कोई बात नहीं रजब, बट ये है उसके चैनल का नाम राणा उमर आबिद। इन्होंने अपने हाथ से बनाया, ओए शिट चुप गया कुछ, इन्होंने अपने हाथ से बनाया है, इनके बाबा का काम है ये तारे मोती का। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्या हुआ है आपने मुझे अभी तक मोबाइल नहीं दिखाया, मुझे गुस्सा चढ़ा। मामा जी मेरी ना बात सुन लो, आज मैं आपको आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूँ, इसके बाद समझाऊंगा नहीं, ठीक है ना, इसके बाद समझाऊंगा नहीं, इसके बाद समझाऊंगा नहीं। अच्छा अगली डायलॉग डायलॉग पूरा मारी जा, मैंने कहा है आंटा के बाद ऐसे बात ना करना, सीधी जूती मारना, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ यार मोबाइल तो। अच्छा मेरी बात, मोबाइल नहीं दिखाना यार, आप नजर लगा दोगे, मोबाइल बड़ा महंगा मोबाइल है, ऐसे नहीं दिखाना मैंने पापा जी। ओए मैं खुद दिखाऊंगा खुद दिखाऊंगा खुद दिखाऊंगा, अंदर नहीं जाना, मोबाइल बैठाना है, महंगा पैन है, महंगा है पापा जी, जरा व्लॉगिंग करना, व्लॉगिंग व्लॉगिंग करो, मैं किस तरह व्लॉगिंग करना। अच्छा जी पापा अभी व्लॉगिंग करने लगे जैसे मैं करता हूँ, करना जरा मिर्चा जी आप क्या कर रहे हो, कैमरा तो सर करो इस तरह जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, जैसे मैं करता हूँ। आई एम सॉरी हमने नए व्लॉग बनाने लगे हैं। अल्लाह पाक नजरे बात तो बचावे मेरी कार्टून फैमिली नू। अच्छा जी इनके चैनल का नाम है राणा उमर आबिद, एक मिनट कंफर्म कर लेने दो, जी राणा उमर आबिद है। काइंडली आप सब जाके इनको थैंक यू भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट लाजमी करें। अब इन गरीब लोगों को मोबाइल दिखा देते हैं यार, रात का यहाँ पे छुपा के रखा हुआ मैंने कि सुबह आमना आएगी तो फिर ही अम्मा को दिखाएंगे। ये लो गरीबो चेक करो फोन, हम तो नहीं गरीब, अल्लाह पाक किसी को गरीब ना रहने दे, सबको अमीर करे दिल से भी और बैंक से भी, अल्लाह पाक सबको अमीर ही रहे। ओ ध्यान से मामा जी ध्यान से, आराम से ओ यार आराम से यार मामा जी, टेक केयर ओ माय गॉड, कवर इस तरह के फोन यूज करता है। हां पता मुझे, तो चोर बाजार में काम करती है पता मुझे, यार जाओ यार बातें, आराम से ओए ओए आराम से, कवर तो आ रही है बेवकूफ पापा जी, कवर तो आ रही है, कवर तो आ रही है यार, ध्यान से सारे काम गजल और ये करती हैं दोनों। हाँ जी हाँ जी, इनको नहीं आती, इनका 15 आए 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 एप्पल मोटरसाइकिल आ जाए, दो मोटरसाइकिल 125 आ जाने, 2 125 अपने घर के लेके चलो। क्यों पापा यार आप कोई ना कोई नई छुटनी छोड़ते हो, आपने ये सुबह से जो प्रेशर कुकर का शोर मचाया हुआ है, 6-6 प्रेशर कुकर लगाए मैं क्या कर रहे हो, मैं अपने शहजादे के लिए बीन सैलेड बना रही हूं। किसके लिए, जवाद के लिए? अच्छा जी सामने तो कभी नहीं पूछा, साडा मुंह निकला है, डाइटा खराब हो गया ना, सामने तो बीन सैलेड बना के नहीं देता, कब जाना मिला मेरे, अभी बस मैं बना लूं फिर लेके निकलूं हमें। मैं नहीं कहीं जा रहा मामा जी, मामा यार मेरी बात सुन, मैंने कहीं जाना, मैं अभी तक घर नहीं गया, घर पे लेबर लगानी है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वहां जाऊंगा। पापा और मेरी एक बात फाइनल, मैं ये रेडी कर लूं, अच्छा नमाज पढ़ लूं तो उसी वक्त रेडी हो मैं लेके निकल, बस यार मैंने मैंने जाना कहीं काम मम्मा, हमेशा जाना होता है। मैंने 3 बार जो बिल्डर है ना बिल्डर, उसको टाइम दिया है 2-2 बजे का, लेकिन कोई ना कोई फैमिली बैठी होती है या कहीं ना कहीं मैं और मसरूफ होता हूँ, मैं अभी तक अपने घर ही नहीं जा सका, वहाँ पर लेबर ही नहीं लगा सका, मैंने शिफ्ट क्या करना है, अब मैं तुम्हें लेके जाऊँ, तुमने खुद नहीं जाना, मैं यार मम्मा जबरदस्ती है यार, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मेंटल प्रिपेयर कर यार, चुप कर तू, अब ना चुप कर, ओए मेरी बात सुन,
अच्छा क्या फोन मम्मा जी सस्ता था फोन बताती हूँ तकरीबन 4 लाख रुपए। मम्मा घर पे लगेंगे, जरूरत के तहत लिया है मैंने, दो दो मोबाइल उठा के क्या करना है भाई, जरूरत ही मुझे पागल और दस ना बताओ ना। हाँ जी, उनको थोड़ी सी जरूरत है, एक जरूरत थोड़ी सी जरूरत है और बाकी शशका है। और यार बस कर, बस पापा जी सिर्फ मैंने ये ना आपकी बाइक के लिए पैसे रखे हुए थे। तीन मोबाइल हैं, बोलना नहीं जी। क्यों क्योंकि उनका काम है, उन्हें एक तो नंबर रह करने ने, एक तो अपनी बीवी के नंबर करने ने। एक ही मेरी बीवी का नंबर है, एक ही नंबर है, उधर कहो 10 नंबर ने, एक ची ब्लॉकिंग करनी है, एक ची प्राइवेट नंबर है मेरे पास। यही पूछो मेरा मोटरसाइकिल दोबारा दे दो पापा जी। यही पैसे थे जो मैं लगाया हूँ, अब मैं दोबारा पैसे जोड़ूंगा, 15-20 साल लगेंगे फिर बाइक लेके दूंगा आपको। मेरा मोटरसाइकिल शिफ्ट होने ना अगे खलोता अप्लाई फॉर फैमिली। जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छा यार अब ऐसा सीन है कि चलो जबरदस्ती ही सही, लेकिन आज हम अपने घर जा रहे हैं। कोशिश करूंगा कि लेबर को मैं बताऊं दिखाऊं कि मैंने ये काम यहाँ पर करवाना है, और साथ के साथ आपको भी दिखा देंगे, अम्मा से भी मुलाकात हो जाएगी, गजल से भी मुलाकात चलो कर लेंगे अगर वो उठी तो। और मैं अपनी जान को बीन सैलेड भी दियाऊंगा जो अम्मा ने बनाया है, ठीक है। अभी आमना काइंडली आप इस वाले मोबाइल का सारा डाटा इसमें डाल दें, आपसे रिक्वेस्ट है। Okay. पहले आप नाश्ता कर लें, आपका नाश्ता बड़ा बड़ा हुआ। सुबह से रात से लगी मिंसा ने सुबह से शोर मचाया हुआ। जान कहाँ जाना बताओ? मैत्रो डॉक्टर वाले टॉयज लेने हैं इसने। ओके जी, ये प्रेस करवा के शावर लेके निकलते हैं फिर। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। हाँ जी क्या तैयारी है बताओ? मैं आपसे पहले रेडी हूँ, जल्दी करो। क्या बात है मम्मा जी, नहीं पकड़े जाते आप अल्लाह की कसम। मॉडलिंग फिल्म करवा दी मैंने आपको, मॉडलिंग। अल्लाह रहम करे, मेरे मालिक का करम, शुक्र उसके। अल्लाह रहम करे वाली क्या बात है, मॉडलिंग क्या अच्छे लोग नहीं करते? मैं नहीं करता। अच्छे लोग होंगे, एज देखो मेरी, नमाज कुरान की एज, तुम मुझे मॉडलिंग में डाला पागल। ओए 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 ओए, इधर देखो जरा, पख्तून दे। आज अपना क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है? ओ फोन आ रहा, फोन आ रहा, दिखाई फोन दिखाई किसका आ रहा है, मुझे दिखा फोन, देखो भाई किसका आ रहा है, ऐ चेक करो जरा, है दरिशा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, किधर हो? मैं घर हूँ, मैंने किधर जाना है? ये नए फोन मोबाइल में देखो, तुमसे नए मोबाइल मार रहे। ओहो सुन तो लो, नए मोबाइल में सबसे पहला फोन तुम्हारा आया। मैंने कर दिया। अच्छा जी, हाँ जी, सबसे पहला फोन तुम्हारा आया। चौकिया मार रहे इधर। अच्छा ऑर्डर लगाओ यार, ये क्या नाम है, ये केक मंगवा रहा है, क्या नाम है ऑर्डर पे? अच्छा वो तेरा रजब का जश्न के लिए केक बनवाना? हाँ तो नंबर सेव है तुम्हारे मोबाइल में, करो मैसेज उनको। एवरीवन नोज यू ब्रो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, अगर रजब भाई के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, बताओ हैदर शाह बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ करो बात, मैं तुम्हें सिम पे फोन करता हूँ, सिम पे फोन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। ओके अच्छा जी, क्या सीन है, कितना सामान रह गया, रेडी हो गया सारा कुछ? लो जी अपना व्हाट्सएप, स्नैपचैट, लटरम पटरम सब इसमें आ चुका है, सोशल मीडिया एप्स सब इसमें आ गई हैं, और इस वाले फोन में अब सिर्फ हमारा व्लॉग बना करेगा। यार निकले यार, कितना टाइम है, चले चलो 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 चलो, आमना भी हमारे साथ ही जाएगी, चले आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाम हो गई है और गाड़ी हमने सुबह से निकाली ही नहीं है, मिलन मिलाप ही चल रहा है सुबह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अली मुहम्मद। आजो भट्ट साहब, आजो आजो आजो, एक मिनट, मेरा मोबाइल ना तोड़ देना, नया नकोर मोबाइल है मेरा, आजो समझ। यार मम्मा काम सुबह से एक नहीं किया, एक टका नहीं कमाया सुबह से, और शाम हो भी गई है, कोई बात नहीं, दिन खत्म हो भी गया, हम लोग शाम को कमा लेंगे। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम पहुंच चुके हैं गजल जवाद फैमिली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। बाबा को लेते हैं और एक कागज पेंसिल भी पकड़ते हैं यहाँ से, ताकि हम लिख सके हमने क्या क्या काम करवाना है रेनोवेशन में। कैसी हो? सलाम अलैकुम यार, कभी इसको क्या तुम इसको यार, ये व्लॉगर्स की फाइट में नुकसान होने लगा था अभी। अगरीब इधर आ, अगरीब अगरीब हुर, गरीब अगरीब हुर। यार टच ना कर, यार टच ना कर भाई, आईफोन 15 ब्रो, यार हद हो गई है यार, हैं
कोरोना है तेरे मोबाइल टच ना करे हो। बच गया बीन साइड, बच गया बच गया। चलो दिखाओ भाई, दिखाओ यार, ज्यादा टच नहीं करना बस थोड़ी देर। फोन यार नाइस फोन। आजो 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 आजो। अम्मा की तरह, अम्मा की तरह, अम्मा 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 लोग आ रहे हैं बस, वो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गए आते हैं। क्या मतलब आ रहे हैं? आने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, गए हैं कहीं बाहर आते। जवाद असजद, जवाद अश भाई बाबा कहीं गांव से गए हैं, जवाद अश भाई और अम्मा गए। तू अकेली है? चलो जी अब क्या कर रहे हैं फिर यार, ये तो अकेली है घर पे। यार यहाँ तो प्रैंक हो गया मेरे साथ यार, बाबा तो घर पे है ही नहीं है। मैंने बाबा को साथ लेके जाना था, ना अम्मा है ना असजद भाई है ना जवाद भाई है, घर तो बड़ा बोर है और इसकी शक्ल देखने तो मैं आया नहीं। नासों में तुम्हारा मुंह देखो, तेरा अपना मुंह देखो, मेरी बात सुनो, मेरा सिल्वर बटन क्यों नहीं आ रहा? मैंने दसो मेरा सिल्वर बटन क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें मेरा इतना अप्लाई नहीं किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम्हें देना, तुम लोगों ने सिर्फ यूट्यूब खरीदी हुई है। हाँ, मेरा कोई राइट नहीं है, धूपों के अंदर सर्दी के अंदर व्लॉग मैं करता रहूं, मेरा क्यों नहीं आ रहा सिल्वर बटन? हमने देना ही नहीं है धूपों के अंदर। तो और क्या मैं... तुम फारी को माइक से ओए पापा मेल करो मेरा वॉइस मैसेज भेज के, वॉइस मैसेज नहीं तेरी वीडियो मैसेज भेजता हूँ तेरा, करो उनको कहो चको पहलू सा मैं ब्लॉक कर देना, गाला कट रहे हैं यार। ऐसा है कि थोड़ी देर बाबा का वेट करते हैं, बाबा आते हैं, कागज पेंसिल लेते हैं हम, फिर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, अम्मा को भी दिखाते हैं कि हमने क्या क्या काम वहाँ पर करवाना, सारा लिख लेते हैं, उसके बाद लेबर को घुसवाएंगे फिर अंदर। अच्छा जी, बाबा को आने में अभी 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो मैंने सोचा जरा बहन के घर का पानी नहीं पी सकते, साग के साथ देसी घी तो खा सकते हैं ना, बिस्मिल्ला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी सर्दी है? बस सर्दी है क्या? नहीं आज मैं कुछ कम है। हाँ मैं आ गया हूँ ना, हॉटनेस आ गई इसलिए। मैंने कहा काफी देर से पेंडिंग चल रहा था। बात तो सही है। क्या बात तो सही है, ये आपने डायलॉग जो है ना अपनी बेटी के ब्लॉग में बहुत बार बोल दिया, आज मेरे ब्लॉग में बोलते हैं एक बार। बात तो सही है। मैंने कहा काफी दिन हो गए हम तैयारी कर रहे थे कि जाना है आज चलते हैं। निकला हुआ था गुरुवार को, एक दो क्लाइंट को मिलना था, अगर इजी है तो चले अब। हाँ इजी, आज भाई चले भाई, आपने जाना आजा 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 आजा। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, घर की चाबियां यहाँ पे पड़ी हुई थी, आए ये जिस दिन की ट्रांसफर करवाई है उस दिन की ही पड़ी है, ना उसके बाद मैं आया और ना मैंने चाबियां निकाली, शुक्र अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी। अच्छा जी, ब्रेकर डाउन है, ब्रेकर ऑन कर रहे हैं। आए 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 मोहम्मद आईली। अच्छा जी, उस दिन जब हम आए थे ट्रांसफर के बाद, आज तो ये चमचम कर रहा, मेरा तो दिल कर रहा सुबह शिफ्ट कर लो, मेरा तो दिल कर रहा सुबह शिफ्ट कर लो, नहीं घर का काम एक बार करवा ले। और चलो तू एक तो एक दफा काम शाम सारे करवा ले बाबा। ये जो है ये आई थिंक वही है सिक्योरिटी अलार्म, रिपोर्ट चली जाएगी। ये इसका सेंसर आई थिंक है ना, ये सिक्योरिटी अलार्म है जी। अच्छा विंडोज पे भी लगा हुआ भाई जान, ये विंडोज पे भी लगा हुआ है, कोई विंडो पुल करेगा, कोई दरवाजा पुल करेगा, सिक्योरिटी अलार्म अपने आप भौंकना शुरू, मेरा ख्याल है बहु बहु करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आपको आगे तंग किया करूंगी मैं, तुम्हें एंट्री बैन कर रही है ये और अंदर ना घुसे। अच्छा जी, मैं आपको एक बार टूर करवा देता हूँ, आपने लास्ट टाइम टूर किया था तो काफी थोड़ा सा ना काम रहता था, अभी वो ऑलमोस्ट सारे काम हो गया, याद है यहाँ पर काम था, ये भी क्लियर हो गया हुआ है। अच्छा सर, आप लोग थोड़ा सा सेग्रीगेट हो जाएं, घूम फिर जाएं। ये आ गया अपना टीवी लॉन्च, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल डन, टीवी लॉन्च आ गया। और टीवी लॉन्च से अंदर जाते ही ये देखो, ये भी सिक्योरिटी अलार्म का लगा हुआ है कि आ गया बेडरूम जिसको मैं ऑक्यूपाई करूंगा, इस साइड में भी लगा हुआ है, सारे घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ है। ठीक है, ये रहा विंडो पे भी लगा हुआ है। आए 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 डिटेक्टिव घर क्या होता है, डिटेक्टिव घर ये क्या है, ये किसी की तार है, एसी की नहीं है, एसी की वायर है, पेंट शेंट बाबा जी डन हो गया। लेकिन बाबा आपको साथ लेके आने का मकसद ये है
वो दीवार, उसके अलावा सीलिंग, उसके अलावा फ्लोरिंग, जो जो कुछ चेंज करवाना ना वो इस पेपर पेंसिल में हम एक दो लिख लें ताकि सुबह या कल परसों हम लेबर लगाना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी वॉशरूम एक बार देख लें। मामा जी हटना एक मिनट। अच्छा जी यहाँ पर हम अपनी चीजें दो रख के गए थे, वो देख लें कहाँ पर है। कहाँ गया क्या? सॉरी ओके ये रहा गलाफे काबा। खोल दो मामा जी, खोल दो। अलम कहाँ गया? अलम पा कहाँ गया? इस साइड में होगा नहीं है, दूसरे कमरे में होगा, कहाँ जाएगा। अच्छा जी ये देखे, ये वॉशरूम की स्लैब रहती है, यहाँ पे ना वो रोप लाइट नहीं होती, यहाँ पर अभी आई थिंक रोप लाइट या फिर कुछ और सीलिंग वर्क जो है वो हमने खुद करवाना है। बाकी वॉशरूम डन है, सफाई होने वाली है ना, सफाई होने वाली है भाई। अच्छा जी भाई जाते हैं, टीवी लॉन आपको दिखा दिया, बेडरूम भी दिखा दिया, अभी आपको दिखाते हैं पापा का बेडरूम, छोटा वाला बेडरूम। ये देखो जी ये भी डन है अल्हम्दुलिल्लाह, शीशा साफ होने वाला है, बाकी ओके है। मां जी आप क्या कह रहे थे, क्या चेंज करवाना है? उस कमरे में अलमारी बनानी, स्विच बनानी। अच्छा वो सारी बात करते हैं, ये स्विच चेंज करवाने हैं, अम्मा को ये पसंद नहीं है। ठीक है उसके अलावा अलम मिला, अलम हमारा जी ये बड़ा हुआ है, और नहीं कहाँ गया? अच्छा ऊपर है, सॉरी। ये रहा जी अलम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा भी काम डन है, यहाँ वाला वॉशरूम भी डन है। अभी आपको जो है बता देते हैं कि हमने यहाँ पर काम करवाना क्या क्या है भाई, शुरुआत कहाँ से करनी है और मेन जो काम है ना आपको सारे बता देते हैं। बाकी ये रहा अपना किचन, अब बहुत बड़ा किचन है भाई, किचन नहीं रहने वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये किचन नहीं रहने वाला, किचन हमारा ये ही होगा, ये सारा फारिग हो जाएगा, अभी आपको बताते हैं सारी डिटेल्स में आते हैं। बाट साहब कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी, आ जाओ। अच्छा बाबा मेरा क्या है ना, जो मेन काम है ना, मेन तोड़ फोड़ वाला जो काम है वो ये है, ये साथ है ना, हमने यहाँ से दरवाजा निकालना है जी, किचन का दरवाजा निकालना है। आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से दरवाजा निकालने की वजह ये है कि मुझे ये वाला जो किचन है ना ये नहीं चाहिए, मैंने यहाँ बनाना है अपना स्टूडियो, जहाँ पर यार दोस्त आएंगे तो वो बैठ जाएंगे, अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग शेडिटिंग हर चीज यहाँ पर हुआ करेगी। ये जो डर्टी किचन, जो इन्होंने छोटा किचन लिया हुआ, इनको पता ही नहीं है कि मेरी फैमिली के लिए ये भी काफी है। अब यहाँ से दीवार टूटेगी ऐसे ही बाबा, यहाँ से दीवार टूटेगी, ये दरवाजा इस तरह को आ जाएगा, ये किचन मेरी फैमिली जो है यूज कर लेगी और इसको मैं बंद करवा दूंगा। बाबा जब हम इसको बंद करवाएंगे तो आई थिंक ये सारी तोड़नी पड़ेगी, हमने स्टूडियो बनाना है तो ये सारी चीजें मुझे उतरवानी पड़ेंगी यहाँ से, यहाँ पर अपना फिर वो लैपटॉप शैपटॉप नियॉन लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सिस्टम डीजे डूजे हर चीज यहाँ पर लगा के इसको फुल ऑन अपना स्टूडियो बना देंगे और किचन का सारा निजाम यहाँ से उतर जाएगा, किचन सिर्फ वो वाला रह जाएगा। मेरा ख्याल है कि बाबा काम जो स्टार्ट करवाना ना वो हम यहीं से स्टार्ट करवाएं, क्यों मामा जी? दरवाजा तोड़फोड़ वाला पहले, तोड़फोड़ वाला करवाएं स्टार्ट, यहाँ से दरवाजा निकलवाएं, अपना किचन रेडी करें और इसका जो दरवाजा वहां से बना हुआ है उसको बंद करवा के स्टूडियो बनाएं। क्या ख्याल है बाबा? ओके पहले मेरा ख्याल है हमें लेबर ही घुसवानी पड़ेगी, उसके बाद दूसरा काम हम क्या करेंगे भला? मेरी बात सुने यहाँ पर कोई कबड़ शबड़ी बननी, ये पूरा मुझे खुला ऐसे कमरा चाहिए, यहाँ अपना स्टूडियो बनाऊंगा, दोस्त यार बैठेंगे, सारी एडिटिंग शेडिटिंग आपके कमरों के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट ऑल करवा देते, कबड़ यहाँ पर नहीं बनेगी। मैं आपको बता देती हूँ, वो पता क्या कह रही है, वो कह रही है जो वॉकिंग वार्डरोब नहीं होती, वो जो अच्छा चलो वो एक ही साइड पे बनवा दूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक और चीज भी हो सकती है कि ये वाली बेशक फिक्स ही रहे क्योंकि इसमें आपने भी तो अपना कोई सामान वगैरह रखना है, वो आएगा ना वुडवर्क वाला, उससे हम बात करके देख लेंगे, हमें ये नया ही है ना, ये सारा कुछ उतार ले, हमें इस जगह मजीद कंपल बना दे, ये कलर भी नहीं है, इतना शाइन ही नहीं है, क्या चीज है? और अच्छा सफर भी पेपर लगा हुआ भाई, पेपर लगा हुआ, क्या हो गया? नीचे से शाइन निकलेगी मामा जी। अच्छा बाबा जैसे ही ये वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर मेरा ख्याल है कि सीलिंग वाला बंदा घुसा ले, है ना? अच्छा सारे घर की सीलिंग स्ट्रेट है, ठीक है, क्योंकि जब आपको घर जी हाँ जी बॉर्डर बने हुए ना। अच्छा जब आप घर लेते हैं ना, जब आप घर लेते हैं फिनिश हुआ हुआ तो आपको स्ट्रेट ही मिलती है। अब हमने यहाँ पर फिनिशिंग करवानी है, थोड़ी सी जरा सीलिंग डिजाइन चेंज करवाना है और वो मेरा ख्याल अलग अलग ही होगा बेडरूम का और टीवी लॉन्च का, सीलिंग वाले आ जाएंगे ठीक है, लकड़ी वाले हाँ जी काम, और फ्लोरिंग का बाबा फ्लोरिंग फ्लोर मैंने इसका चेंज करवाना है, वुडन करवाना है इसका, इसको वुडन करवाना है, ये वाला मेरा ख्याल ठीक रहने थे, और अम्मा वाले कमरे का भी चेंज करवाना है, किचन वाला भी ठीक है, नहीं वुडन की टाइल टाइल
टाइम लगेगा। ठीक है, इसको वुडन करवाना है और थोड़ा बहुत एक्सेसरी जो है ना वॉशिंग मशीन से होनी है, ये बहुत सिंपल लगी है, थोड़ी ब्लैक ब्लू टच में लगवानी है। ठीक है, ठीक है ना, जितना कोई डाल लेंगे उतना मीठा लगेगा। अब फर्स्ट हमारा दरवाजा तोड़ाई, उसके बाद सीलिंग सारे घर की, थर्ड का जो है फिर वो ये टाइल वर्क, और फोर्थ में मेरा ख्याल है कारपेंटर आएगा, यहाँ पर मीडिया वॉल बन जाएगी, इस कमरे में मीडिया वॉल बनेगी, अम्मा के कमरे में मीडिया वॉल बनेगी, और उसके बाद वो सारे किचन के जो कैबिनेट्स वगैरह फ्रेश कर देगा ऐसे ही, और एक हमें एक वार्डरोब बना देगा। जी 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 जी, ठीक है, और हल्का फुल्का वॉलपेपर का वर्क है। आपका क्या ख्याल है कितनी देर का काम है सारा? कितने देर का? नहीं नहीं, कितनी देर का मतलब महीना सवा महीना? एक माह लग जाएगा। अगर ये हम एक दो दिन के अंदर अंदर काम स्टार्ट करें तो एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर हमारा ये काम सारा हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, खून पसीने की कमाई, अल्लाह हाफिज़, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, रेनोवेशन करवा के, बाय बाय। चलो जी आइए, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी तबीयत आपकी? पाऊँ कैसा? बेहतर है। आप थे ही नहीं, हम जाके घर देख के आए हैं, रेनोवेशन का सारा काम है बाबा से डिस्कस करके आया हूँ। आप अब ब्लॉग देख लीजिएगा, सुबह इंशाल्लाह लेबर लग जाएगी, पहली लेबर लग जाएगी सुबह, बस दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, यार एक मिनट, क्या बात है मुर्शिद, ठीक है, क्या हाल है मेरी जान का, ठीक ठाक, कैसे है, सर्दी कैसी है, ऑल गुड, आप ठीक है? अच्छी बात यह है कि आज आपने बुनियाद रख दी अपने घर को रेनोवेट कर। हाँ जी, इंशाल्लाह बाबा सुबह लेबर ले जाएंगे वहाँ पे, जो तोड़फोड़ वाला है ना, सबसे पहले तोड़फोड़ वाला आएगा, फिर सीलिंग वाला, फिर आगे फर्दर काम। कहाँ पे? कोशिश पूरी है रमजान में यहाँ पर आके करूँ, ठीक है, ताकि ईद की मैं वो सेवियाँ वहाँ से ऐसे उठाऊंगा और पैदल ही आ जाऊंगा। क्या बात तो सही है, ये अच्छा था गुरु, ये अच्छा था, चलो भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय, पापा जी आजो 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 आजो। और ये क्या करूं, और यार हाथ मिला लो यार, कोई हाथ ही नहीं मिला रहा मेरे से। अल्लाह हाफिज, बाय बाय अम्मा जी, बाय बाबा, अल्लाह पापा आजो, आप तो यार खुद ही पकड़ाई है, खुद ही वापस पकड़ी जा रहे हो। अल्लाह हाफिज माँ जी, बाय बाय, बाय बाय, आजो आजो आजो, जल्दी करो आ जाओ, मम्मा की बातें खत्म नहीं होती, यकीन करो, आ जाओ मम्मा जी, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हाँ जी ईमान, ओए क्या कह रहे हैं आप लोग जो है ना, रमजान आ रहा उसके लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ईमान के दो मतलब समझता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चबली मेरा दिल कर रहा है, कल शिफ्ट हो जाए, इतना प्यारा घर लग रहा है। क्या बोल रहे हो, मुंह में बोली जा रहे हो, क्या बोला? मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है मैं कल ही शिफ्ट हो जाए, इतना प्यारा घर लग रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं कल ही शिफ्ट हो जाए, वहाँ वहाँ सबके जाए, मेरे मौला का करोड़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरअसल घर प्रॉपर उन्होंने साफ किया हुआ है, जो छोटे मोटे काम रहते थे वो कर लिए हैं, प्रॉपर पेंट वगैरह उन्होंने अपनी तरह से कर दिया, फिनिश करके दिया ना, तो आज घर की लुक जो है ना वो कुछ अलग ही आ रही थी। अब ऊपर जो भी काम, हाँ अब ऊपर जो भी काम करवाना ना, वो अपने टशनबाजियां हैं, अपने जेब के हिसाब से, जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। मेरा पहला पहला घर है तो जितनी मेरी हैसियत, जितनी मेरी औकात होगी, उतने टशनबाजियां मैं कर लूंगा, बस इंशाल्लाह सुबह से लेबर स्टार्ट हो जाएगी। अभी पहुंचते हैं घर और घर पहुंच के ब्लॉग को एंड करेंगे। चलो जी, अल्लाह तेजो साहब, तुहानू आखिरी वार्निंग है, मैनू मोटरसाइकिल लै दियो, जे मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दी ना, ढड़ा जेड़ा प्रोग्राम है ना सारा कारोबार, ढड़ा खतरनाक हो जाना, खतरनाक हो जाना, हां ते खतरे च पै जाना, खतरे च बचले जे वाली, मैं तो डर गया हूं माजी, मैं तो डर गया हूं, मुझे डर लग रहा है बाजी, गैस बटदी बोर नहीं, मुझे डर लग रहा है। अच्छा ये सीरियस बात है? हाँ सीरियस तो बात आप, है। आपके पास तो मोबाइल ही नहीं, आप व्लॉगिंग कहाँ से करोगे? मैं अपनी दो मोबाइल ले, एक मैं ले लूंगा आपका। मेरे को मोबाइल लेके तो मेरे मोबाइल से व्लॉगिंग करनी है ना यार, अंजे ना करी, रिजाइन ना तभी तेरी मेहरबानी। चलो ऑर्डर ला दियो एयर आयलैंड, किनू एयर आयलैंड मोटरसाइकिल ऑर्डर ला दियो, मेरे दोस्त का जो शोरूम है एयर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। अच्छा की कहा उन्होंने, की कहा मेरे नाम से मोटरसाइकिल बुक कराओ? अच्छा मेरे नाम से नहीं, खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, घर देख के आया हूँ, साफ सुथरा हुआ ना, अजीब सी अंदर से एक गुदगुदी सी सेटिस्फेक्शन सी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि मेरे सारे जवान बहन भाइयों को जिनके पास घर नहीं है, अल्लाह पाक सबको दे, आपको भी ये खुशी फील हो, क्यों माँ जी ऐसी है कि नहीं, सब बहन भाइयों को इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड। मेरी बात सुन लो, धमकियां तो डरन डर मैं नहीं कसम लगी जाना, लेकिन तुम मेरे प्यो, चलो मैं थोड़ी जी फील कर लेना वा, ठीक है, है? हर बारी ऐसे ही कहते करने यार, कुछ पैसे नहीं है, बजट नहीं है पापा, बजट
अच्छा जी व्लॉग करते हैं यहाँ पर, एंड उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, होती हूँ मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ, हो सकता है किसी एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।